હેલો મિત્રો, હું છું અંકુર સવાણી અને આજે વાત કરવાના છું HSRP નંબર પ્લેટ કે બારે. અબ HSRP નંબર પ્લેટ લગવાને કે લીએ આપકો RTO જાના નહીં પડેગા. આપ અપને ઘર પે હી HSRP નંબર પ્લેટ લગવા સકતે હો. કેસે લગવાના હૈ વો મેં આપકો બતાઉંગા. અગર આપકો મેરા વિડિયો પસંદ આ રહા હૈ તો ઉસકો લાઇક ઓર શેર જરૂર કીજિયેગા ઓર મેરી ચેનલ કો સબસ્ક્રાઇબ કરના મત ભૂલિયેગા. यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड देख रहे हो आप लोग. गूगल क्रोम खोलेंगे. गूगल क्रोम खुल गया. यहाँ पे हम HSRP नंबर पर लिखेंगे. पहला ही ऑप्शन आ जाएगा वो खोलेंगे. आप देख रहे हो यहाँ पे. यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है जो रजिस्ट्रेशन, वो क्लिक करेंगे. वहाँ पे ये ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा. यहाँ हमें RTO का कौन सा RTO लगता है वो लिखना है. जो आए वो लिखना है. नेम ऑफ सोसाइटी ना डालनी है. यहाँ पे चेयरमैन का नाम डालना है. जो आपकी सोसाइटी का चेयरमैन हो वो उसका नाम डालना है. उसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल सकते हो या चेयरमैन का डाल सकते हो. या सोसाइटी का एड्रेस डालना है आपको. और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है. और यहाँ पे आपका पिन कोड नंबर डालना है. और आपकी सोसाइटी में कितने व्हीकल है वो डालना है. और सबमिट दबा देना है. तो मित्रों, ये एक फॉर्म है. वो एक फॉर्म भर लोगे आप. बाद में 48 घंटे में आपको कॉल आएगा RTO की तरफ से और आपको पूछेगा कि कितने व्हीकल है, क्या है, सब कुछ पूछेगा. उसको आपको आंसर दे देना है और आपको कहेगा कि मैं वो कि कब आने वाले, वो आपको बता देंगे. और वो आपके वहाँ आके सब कुछ सब प्रोसेस वो खुद ही आके करके जाएंगे. तो बस यही प्रोसेस है. ये प्रोसेस करके आप RTO जाए बिना ही आपके घर बैठे ही ये प्रोसेस करवा सकते हो. थैंक यू मित्रों. ऐसे ही और वीडियो मेरे आएंगे. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.